आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको भील जाति से संबंध रखने वाले कण्णप नामक व्यक्ति की कथा सुनाऊंगी कि किस प्रकार भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया। कथा सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। शिव पुराण के अनुसार एक जंगल में भील जाति से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति रहता था। वह जंगल में अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता। जंगली जानवरों को मार कर खाना ही उसका भोजन था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे शाम हो गई और वह जंगल में स्थित एक शिवालय में पहुंच गया। उसने देखा कि शिवलिंग के आसपास कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि महादेव अकेले हैं, रात को कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मुझे इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और वह अपना तीर भाला संभाल कर बैठ गया मंदिर की सुरक्षा में। पूरी रात उसने मंदिर का पहरा दिया। सुबह हुई तो उसने सोचा अब महादेव की पूजा भी करनी चाहिए, उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। लेकिन जाति से भील था, पूजा पद्धति आती नहीं थी। जंगल में गया, पशु को मारकर उसका मांस भून कर ले आया और मक्खियों के छत्ते से शहद लाकर भोलेनाथ पर चढ़ा दिया और चला गया। उस शिवालय में एक ब्राह्मण भी पूजा के लिए आया करता था। उस दिन जब वह पूजा करने आया और शिवलिंग पर मांस देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। ऐसा होता देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि ऐसा घृणित कार्य कौन कर रहा है। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी आकर एक पेड़ की ओट में छिप गया। ब्राह्मण ने देखा कि एक भील आया और उसने शिवलिंग पर मांस चढ़ा दिया। ब्राह्मण बाहर निकल कर आया और क्रोधित हो बोला कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। भील ने कहा कि महादेव रात को जंगल में अकेले होते हैं, इसलिए मैं रात में उनका पहरा देता हूँ और सुबह उन्हें भोजन। ब्राह्मण ने कहा जो सारे संसार की रक्षा करता है, सारे संसार का पहरा देता है, उसका पहरा तू क्या देगा। महादेव उन दोनों की बहस को सुन रहे थे। इतने में उन दोनों ने देखा कि शिवलिंग के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। भील कुमार ने जल्दी से पत्तों की औषधि बनाई और नेत्र पर लगा दी, लेकिन रक्त बहना नहीं रुका। भील कुमार ने भाले से अपनी आंख निकाली और रक्त बहती आंख पर लगा दी। अब दूसरी आंख से रक्त बहने लगा। भील कुमार ने अपनी दूसरी आंख निकाली और वो भी लगा दी। ये देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। इतने में भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने भील कुमार को अपने हृदय से लगाया और उसकी आंखें उसे लौटा दी और ब्राह्मण से कहा हे ब्राह्मण, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा की पद्धति क्या है, मुझे भक्त का भाव प्रिय है। जो मनुष्य मुझे पूरे समर्पण के साथ स्मरण ही कर लेता है तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ और अपने आशीर्वाद से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो बंधुओं, भक्ति भाव से महादेव का पूजन अर्चन करें, श्रद्धा युक्त होकर कथा का श्रवण करें, भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।